सारा खुल गया। वेयर इज माय इंजन ब्रो? इंजन कहाँ है? नहीं भी मिलता है, ऐसी कौन सी बात है? नहीं कोई भी, मैं नहीं मिल रहा भाई, मेरे सिर्फ दो चार ही आ रही हैं। अभी पहुंचे तो मैं व्लॉग नहीं बना रहा आज, लेकिन ये क्लिप मैं कल वाले में व्लॉग में ऐड कर लूंगा आप लोगों को। मैं दिखाता हूं ये देखिए, सारे इंजन हमने खोले, बस करे रिंग पिस्टन सब कुछ आए थे और दो पिस्टन के टूटे हुए थे। टूटे हुए थे जी, बिल्कुल टूटे हुए। तो वो दो पिस्टन हमने नए मंगवाए हैं, सारे रिंग्स वगैरह मंगवाए हैं इसके और सारी सीलें, ये है सारा मतलब बारिश से। अच्छा हीट कहाँ से अंदर आती है वो समझा? ये इस आंखों से इस ये सारे बंद करने, ये बंद करना, वो बंद करना, सारा खुल गया। वेयर इज माय इंजन ब्रो? इंजन कहाँ है? उधर पड़ा हुआ है। अच्छा खैर, ये 1JZ GT आप लोग चेक करें, BMW। उसके अलावा भाई की चेक करें, 1JZ 2JZ विदाउट NA एंड हो विद NA या नेचुरली एस्पिरेटेड और विदाउट GT, ठीक है। और अभी सारा खोला हुआ हमने, हिसाब किताब लगा रहे हैं गाड़ी का सारा, महंगा एकदम 0 to 100 हम करने लगे हैं। और ऐसी RX-8 इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी की भी नहीं होनी, ये सारी वैसे RX-8 ही खड़ी हुई आप लोग चेक करें। हाँ जी उमर भाई, बना लिया टिकटॉक? काम शाम चल रहा है भाई, जब मैं कहता एंड हो जाना है तो पीछे में करते हूँ मैं भाई। हमारा इंजन कोई ये ही है ना, नुकसान तो नहीं है इस चीज़ को? ये क्या नुकसान तो हो गया, रखा हुआ सारा तुम्हारा, मैं इतना कमज़ोर हो जाता है। क्या कमज़ोर हो जाता है? इंजन खोलने से। ये कौन सा बंदा कमज़ोर हो जाएगा? और टाइट हो जाएगा, ये और टाइट हो जाएगा। नहीं मैं तो खा चुका हूँ, दो टूटे हुए थे ना, जो टूटे हुए थे वो पड़े हुए थे। बाहर आंधी चेक करें बस आप लोग, ये मैंने शीशा नीचे किया था, सारी मिट्टी अंदर आ गई है, लेकिन इट्स ओके। आज हम जा रहे हैं RX-8 का वाइंड कर, अभी मैंने आप लोगों ने वीडियो देखा होगा पिछली वाली वीडियो, वो मैंने वैसे ही बनाई थी RX-8 का, जब इंजन खुला था सारा कुछ, रिंग पिस्टन ने उसके पुली उसके वट एवर जो जो भी काम था करके नीचे कर रहा था, बस नहीं कर रहा था मैं, पता टाइम था कि अपनी गाड़ी की लाइटें भी ठीक करा सकूं, नहीं कराई। वो पता नहीं कैसे बंद हो गई, कटआउट शर्ट का भी मसला हुआ HAD, लेकिन उसको छोड़ के भी आज मैं आपको यारे का बताऊंगा, यारे किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, जरा उमर को पिक कर लें, उसके बाद आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा, यारे किसको कहते हैं किसको नहीं कहते। हैरत होती है, अल्लाह की कसम हैरत होती है, मुझे लोगों में हैरत होती है, क्या हर एक बंदा एक्सपेक्ट करता है कि इतने बंदे हैं, हर बंदा एक्सपेक्ट क्या कहूँ मैं अब कि लाइक अगले की कोई मजबूरी नहीं है, वो गलत है। साथ खाया पिया हो, सब कुछ किया हो इतने सालों से, कभी कुछ ना हुआ हो, सारी अच्छी चीजें भूल के ना, एक पॉइंट जिसका उसको पता भी नहीं ना हो, उस पर कह रही गंदा हाई ऐसा। मैं नहीं बहस करूंगा, मैं किसी को जवाब देने का कोई वो नहीं रखता कि मैं किसी को जवाब भी दूं, क्योंकि मैंने साथ खाया पिया हुआ, अगर मैं भी जवाब दे दूंगा तो फायदा कोई नहीं है, मेरा काम नहीं है। मैं कभी किसी को ब्राइड नहीं कर सकता, जो मेरे साथ जिसने मेरे साथ बैठ के खाया भी होगा ना, तो मैं उसकी ब्राइड नहीं कर सकता, वो तो वैसे भी मेरे कितने यार है, मैं नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं किसी की ब्राइड करूँ यार, मेरे दिल को कुछ होता है बहुत ज्यादा। बाहर आंधी जा रही है, एसी बंद करो, मैं शीशे नीचे करूं। लेट्स सी, ये फोन चेक करें आप लोग, ओए होए मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई यार, इसका ना फ्यूज उड़ा हुआ, ठीक है। ये भी हमने चेक किया, लेकिन ये जो है ना ढूंढने वाला काम है, ठीक है। और मेरे पास टाइम अभी एक मिनट का, मैंने वर्कशॉप बंद हो जाएगा, आर फिर लेके आनी जैसे मर्जी करके, और जो पैसे हमने बचाए थे 12,000 थे हमने कहा उस पर लगाए, 60,000 लगाए, और ये हमने बचाए थे कि हम इस पर रिम से ही कराएंगे, थोड़ा वो पेंशन कराएंगे, लेकिन वो पता लगा कि पुली भी खराब थी और एक माउंट भी टूटा हुआ था और बेल्ट भी खराब थी, तो अब वो सारी चीज़ों को भी पैसे देने हैं फिलहाल, इसको बंद कराते थे, पक्का बंद करी दिल मार के जा, दिल मार विल मार, वन व्हीलर बच्चे रखे हैं मल्ले में, वन व्हीलर कल आएगा, ठीक है ओके। कल दोपहर को आएगा? नहीं कल दोपहर से लेकर शाम रात तक कभी भी आ जाएगा, कोशिश ये दोपहर को ही आ जाएगी। वो बिग ब्लम बम ब्लास्ट, ये देखे बगैर बगैर ट्यून के पटाखे मारती है, क्रैकल्स क्रैकल्स। वर्कशॉप हम पहुंच गए थे, उसके फ्लैश करते सही, वीडियो भी सही ना बन रही हो, अभी अंदर से गाड़ी निकलवानी हमने, वो हमारे सामने सर, लेकिन यार अभी तक स्टिल काम हो रहा है, तो अगर मिल जाएगी आज तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ निकालने लगो। अच्छा वर्कशॉप हम पहुंच गए थे, और जैसे कि आप सबको बताया गया इसका काम शाम चल रहा था, क्या बना भाई हो, लग रहा है कि ख़त्म हो गया काम? नहीं अभी नहीं हुआ, इंजन डालना है, हैं नहीं मुझे नहीं लग रहा काम है, क्या काम रह गया बताओ जरा, बस टेस्ट ड्राइव इन शॉर्ट, बस मिल जाएगी आज के, नहीं मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। माउंट वगैरह डाला था इसका? हाँ
और बेल्ट, बेल्ट का क्या सीन था? और पुली का कौन सी पुली थी? वो नीचे सबसे ये वाली ये नहीं लग रही है। अच्छा वर्कशॉप में बाकी मजदा आपको खाते हैं, ये भी एक नई मजदा दिन, हर दिन एडिशन होता है मजदा ना यहाँ पर, ठीक है। हर दिन मुझे कोई नई गाड़ी नजर आती है यहाँ पे देखने के लिए, ये नहीं ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, ये तो भी है उससे अगली मजदा, ये मजदा उसके साथ ईवो साथ पता नहीं कौन सी। उम्र इधर आ, खैर हमारे उम्र भाई आ गया, बात सिर्फ इधर मैं साथ खड़ा ही, बात सिर्फ इतनी है कि जिन्होंने ना बहाने करने होते हैं ना जाने के या जो भी वट एवर, वो चैटे खोल खोल के नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इतनी सी बात है, अगले की मजबूरी समझते हैं और साथ खड़े होते हैं, ठीक है। साथ खड़े होने की एग्जांपल अगर आपने देखा तो इस बंदे को देख लो, ठीक है ना। बाकी रुका नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं होता यार, ये क्या सीन है। मैं बताऊँ, मैं सारी सारी रात बाहर रहने वाला बंदा हूँ, दो घंटे मेरे कोई मैटर करते हैं यार, ये चीज़ें नहीं गिनते होते। और भाई मैं अल्लाह की कसम नहीं गिन रहा था, लेकिन मैंने दो तीन ब्लॉग देखे 100% साफ से मुंह पे बात करूंगा भाई, दुख हुआ देख के यार, कि लाइक मतलब इतने सालों का सारा अच्छा भुला के एक नुक्ता देख रहे हैं, उनको वजह भी नहीं पता नुक्ते की। पर्चा भी मेरे पे था लड़ाई, पर्चा भी तो सब कुछ, जब इसको पता कि क्या रीज़न थी मेरे वापस आने की, ये समझ रहे बात को, जो जिनका कोई काम भी नहीं है, इनके घर ही वहाँ से दो तीन घंटे दूर है, वो आगे से कह रहे हैं यार छोड़ो। अस किसी ने मैंने कोई लड़ाई नहीं सुना सही है, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा किसी को भी, इसके बावजूद किसी ने कहना भी नहीं है। मिलता है ऐसी कौन सी बात है? नहीं कोई भी, मैं नहीं मिल रहा भाई, मेरे सिर्फ दो चार यार ही हैं अब पक्के। इमरान भाई आ गए करो जरा। हां जी आजम भाई नहीं मिल रही, मुझे पता लग गया भाई जर्नलिस्ट में डर है, इसके बाद इसका फर्स्ट स्टार्ट लेंगे, लेकिन हम गाड़ी हमें कल मिलेगी। जी हमारे आजम भाई कह रहे हैं कि अभी इसका टेस्ट ड्राइव वगैरह लेनी है, शायद इसके दो एक दो छोटे छोटे काम हैं वो कंप्लीट करने हैं कल। कल हम दोबारा, कल कितने तक आ जाऊँ मैं? कल आ जाए इसी वक्त, कुछ जल्दी का टाइम रखो, इस तरह का मेरे लिए बहुत खराब है। 5-6 बजे आ जाऊँ? गाड़ी स्टार्ट हो गई, आप लोग चेक करें, लेकिन हाँ आंधी चल रही है, फुल हैवी किस्म की आंधी चल रही है, इतनी तेज़ आंधी चल रही है कि मैं आप लोग को बता भी नहीं सकता, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गई सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा आजम भाई ड्रिफ्ट से मार सकते हैं क्या? वो भी नहीं, नहीं यार अभी कम से कम 500-600 किलोमीटर से प्यार से चलाना, मैं कल ही चला जाऊंगा फैसलाबाद, आना जाना 100 के ऊपर नहीं जाना अभी। पहले रात के टाइम आया सेवन फ्रूट चेक करने के, गाड़ी बड़ी तेज आ रही थी, खड़ी हम वहाँ पे खड़ी कराएंगे अपनी, मौसम बहुत लाजवाब है और सेवर में हाथ बंद है, सेवर ही बंद है, कैसे हमारी मौसम खराब चल रही है, मौसम बहुत लेवल का चल रहा है। अभी फ्रेश हमने एसी शॉर्मा खाया, एसी मतलब ऐसे एसी शॉर्मा का मतलब ये है कि माहौल चेक करें, मौसम चेक करें, और वो देखें एक बार बिजली खड़क के दिखाता हूँ आपको मैं, अभी नहीं है बाद में आएगी। तो इस मौसम में हमने शॉर्मा खाया और क्या मज़ा है, अल्लाह की कसम स्वाद आ गया, साथ घर वालों के लिए भी नहीं है, शायद खोल के दिखाएं जरा कंटेनर हमारा, ताज़ा सामान घर वालों के लिए है, उधर घर वालों का डिशन तो खाना बहुत जरूरी है, कल उन्होंने पैसे दिए थे मुझे, वो हमने इसका नाश्ता कर लिया सुबह सुबह, कल नहीं बल्कि सुबह की ही बात है, हमने वो खा लिया, अब उन्होंने कहा वो पैसे दिए मुझे तो बोल लिया, वो मैं कहा याद आ गया मुझे, वो एक बंदे ने भी सुधार ले लिया था। हर किस चीज़ को छोड़े घर जा रहे हैं, RX-8 ड्रिबिल्ड हुई है एंड शोल्ड, और बहुत लेविश किस्म की साउंड उसकी निकल रही है, और सारे काम माउंट वगैरह पुली वगैरह बेल्ट उसका कनेक्टिंग रॉड्स उसके सारा कुछ उसका नहीं है, सारा इंच एंड एवरीथिंग रह जाते तो वैसे उसकी वायरिंग है, लेकिन वो टाइम नहीं हमारे पास अभी, पेंट वायरिंग और रिम्स ये तीन चीज़ें हमारी रहेगी, वायरिंग नहीं रहेगी खैर, पेंट और रिम्स रहेगी, बाकी गाड़ी इंजन वाइज 100% घर पहुंच कर भाई आल्टो खड़ी की थी, मैं कहता गली को बाहर आल्टो को बाहर निकल, हम सिटी अंदर खड़ी कर लें, फिर अभी आल्टो खड़ी कर लें, क्योंकि सुबह मैंने बारिश तो बड़ी तेज हो रही है, सुबह कोई सीन का कंफर्म नहीं है मेरे, देखा आज भी हम गए थे ना RX लेने के, मैं अंदर गाड़ी खड़ी कर लूँ फिर आप बता दूँ। गाड़ी मैंने स्विच ऑफ, ओह फक क्या गिरा हुआ है, टिश्यू दो यार जरा, एक अंदर इधर शोर में खाते रहे हैं इसकी वजह से बाहर फैन लगा सुबह। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, चैनल को देखो लाजमी सब्सक्राइब करना, आज हमने यार आपके लिए आर्टिस्ट लेके आए थे लेकिन नहीं लेके, उसके रनिंग करने में 500 से 1000 किलोमीटर, सोच रहे हैं कि फैसलाबाद जाइए, किस सिटी में जाइए और आप लोग कमेंट्स में बताएं, कोई छोटा बड़ा पेट्रोल भी ज़्यादा लगे और हमारा 1000 किलोमीटर या 500-700 कितने किलोमीटर हमारे डन हो जाए। बाकी मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से मेरा कोई हेट नहीं, कोई मुझे बुरा समझता अच्छा समझता मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्त है नहीं दोस्ती रखनी नहीं रखनी किसी ने कोई मसला नहीं है, मैं वैसे भी अपनी गैदरिंग मेरी वैसे भी 2-4 लोगों की ही है, जिन्होंने साथ है मेरे उनकी ही ज़रूरत है, जो नहीं है उनकी ज़रूरत नहीं है,
बात खत्म होगी, बाकी दुआ में याद रखें भाई को, अल्लाह हाफिज़।